पिछले कुछ अरसे से डॉन 3 के बनने को लेकर कई खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म टल गई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि फिल्म डिब्बा बंद होने वाली है। हालांकि हकीकत कुछ और है। फिल्म को रितेश सिंधवानी और फरहान अख्तर का बैनर एक्सेल एंटरटेनमेंट बना रहा है। प्रोडक्शन टीम इसे लेकर गंभीर है। वहीं अब बैनर से जुड़े एक सोर्स ने इस बाबत नई जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया है कि फिल्मिंग स्टार्ट हो गई है। बता दें कि डॉन 3 में रणवीर सिंह के ऑपोजिट कियारा आडवाणी नजर आने वाली हैं। कुछ वक्त पहले फिल्म को लेकर खबर आई थी कि सिंघम अगेन की शूटिंग खत्म करने के बाद वो डॉन 3 पर लग जाएंगे। वहीं मेकर्स भी अगस्त 2024 तक डॉन 3 को फ्लोर पर लाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा विदेश में होगी। इसी बीच पिक्चर को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। बोला जा रहा है कि इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह शाहरुख खान वाला टोटका अपनाने वाले हैं। देखिए, हाल ही में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है। इसके मुताबिक रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग इस साल के आखिर तक शुरू करने वाले हैं। वहीं मेकर्स की प्लानिंग है कि 4 महीने में ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि फिल्म का एक बड़ा हिस्सा लंदन और जर्मनी में शूट किया जाएगा। बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह के हाई एनर्जी सीक्वेंस भी होने की बात सामने आ रही है। हाल ही में फरहान अख्तर और डॉन 3 की टीम शूटिंग लोकेशंस को फाइनल करने के लिए लंदन पहुंची थी। ऐसा कहा जा रहा है कि लंदन के अलावा डॉन 3 का प्रोडक्शन क्रू जर्मनी के अलग अलग लोकेशंस पर भी जा सकता है। रणवीर सिंह को डॉन बनता देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि कुछ लोग शाहरुख खान का ये रोल रणवीर सिंह को देने से काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे पहली बार अमिताभ बच्चन डॉन के रोल में नजर आए थे। इसके बाद शाहरुख खान ने डॉन बनकर गर्दा उड़ा दिया था। अब रणवीर सिंह इसी रोल में दिखने वाले हैं। दरअसल रणवीर सिंह की इस फिल्म से पहले शाहरुख खान की डॉन 2 की शूटिंग भी जर्मनी में हो चुकी है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।